हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, छोटे बड़े साइज़ में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर तैयार कर ली है। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है और स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ साइड तक आ गए हैं और साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, साइड में हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हम, कंप्लीट दूसरे रंग के धागे से करेंगे। यहाँ पर मैं पीच कलर का धागा ऐड करूँगी। ओए सचिन, तेरा ऑर्डर आ गया। इस तरह से यहाँ पर देखें, हमने हेलो इस धागे को ऐड कर लिया। अब देखें नेक्स्ट में जाएंगे, ये ग्रीन कलर वाले धागे को भी हम साथ में रखेंगे इस तरह से। देखिए, अब 2 स्टिच हम नेक्स्ट होल में बनाएंगे। बनाने हमें हर एक में 2-2 हैं, पर यहाँ पर 2 हम एक एक कलर से बनाएंगे इस तरह से। देखिए, 2 स्टिच बना लिए और कंप्लीट इसको ग्रीन से करेंगे अब हम इस तरह से। और इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब दोनों धागों को हमें साथ में ही रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम ग्रीन से 2 स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको कंप्लीट देखिए हम यहाँ पर पीच कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। इससे हमने इसको कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट में जाएंगे। अब इसमें बना लिया और नेक्स्ट में 2 हम यहाँ पर इस कलर के धागे से बनाएंगे। एक स्टिच बनाया और दूसरा स्टिच हम इसी के अंदर बनाएंगे और इसको कंप्लीट हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारे पास ये पीच कलर से आया है और इसी तरह से आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हमारा ये डिजाइन तभी अच्छे से सेट होगा जब हमारे पास ये एक दूसरे कलर से, एक दूसरे से इस तरह से। आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए, जब आपके पास यहाँ पर 2 स्टिच रह जाएं, तब हम देखिए यहाँ से अपना ये ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। हर एक रो में हमें यही ध्यान रखना है कि जब हमें हमारे पास 2 स्टिच हों, तब हम इसको धागे को ऐड कर लेंगे। और यहाँ से देखें, थर्ड चैन के ऊपर जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक स्लिप स्टिच हम इन दोनों के बीच में करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में हमें वर्क करना है और जो ये धागा है इसको हम साथ में रखेंगे। दोनों धागे हमारे साथ में रहेंगे। 1, 2, 3 चैन हमारी 1 डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और देखिए इसी के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और कंप्लीट इसको हम दूसरे रंग के धागे से करेंगे इस तरह से। देखिए, इसके अंदर हमें 2 के अंदर 2 स्टिच बनाए हैं और फिर नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर 2 स्टिच हैं हमारे, तो यहाँ देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमारी अब 4 की कली बनेंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया और बन गए और बीच में 2 चैन ली है और कंप्लीट इसको फिर से हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे। देखिए, पीच कलर वाले में हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगे, 2 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। और जो ग्रीन कलर का है उनके अंदर हमारे 2 के अंदर 2 स्टिच बनेंगे। अब देखिए, इस तरह से ग्रीन कलर को ऐड कर लिया और इसके ऊपर हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट इसको फिर दूसरे डबल क्रोशिए को हम पीच कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। अब 2 स्टिच आ गए पीच कलर के, तो इनके ऊपर देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2 चैन ली और फिर से यहीं पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए, इंक्रीज होते जाएंगे इस रो में और 2 स्टिच छोड़ने हैं, सॉरी। यहाँ पर फिर से हम ये ग्रीन कलर का धागा ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, ग्रीन के ऊपर हम 2 स्टिच बनाएंगे, 1
और दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस धागे से। दो स्टिच रह गए, कंप्लीट किया इससे। फिर से पीच कलर का धागा आ गया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चैन लेंगे गैप के लिए, और फिर से दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे कंप्लीट इसको। फिर से हम दूसरे धागे से करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा, और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को ऐड कर लिया है। यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे और इसको हम जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम इन दोनों के बीच में करेंगे इस तरह से। अब एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से, और कंप्लीट इसको फिर से हम ये दूसरे कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो ये दो हमने चैन बनाई है उनके बीच में हमें वर्क करना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। पहले हमने दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनाए थे, अब तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर से तीन बार और डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया, और इसको कंप्लीट हम फिर से ग्रीन कलर के धागे से करेंगे। दो स्टिच छोड़ देने हैं और यहाँ से ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। अब देखिए दो, जो हमारे ये दो ग्रीन कलर के डबल क्रोशिया हैं उनके मिडल में जाकर फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट, इसको फिर से हम दूसरे कलर के धागे से करेंगे, और फिर से दो चैन के बीच में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो, दो चैन लेंगे और फिर से तीन बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन, तीसरे को कंप्लीट हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे इसी तरह से। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, और इससे नेक्स्ट रो में भी हम तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके मिडल में। यहाँ नेक्स्ट रो में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट रो भी बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो रो हमने यहाँ पर बना ली हैं। दो रो में मैंने यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया, और इस नेक्स्ट में भी हमने इसी तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। अब देखिए ग्रीन कलर को ऐड कर लिया है, और थर्ड चैन में जाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक स्लिप स्टिच हम दोनों के बीच में करेंगे इसके इस तरह से। अब एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की, और एक चैन और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ कंप्लीट, इसको पीच कलर के धागे से करेंगे। अब देखिए इस धागे को हम साथ में रखेंगे, ग्रीन कलर के धागे को नीचे की तरफ दबाते हुए। देखिए दो चैन के बीच में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, और एक और बनाएंगे अब के बार चार डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, फिर दो चैन, और फिर से चार बार डबल क्रोशिया। इस रो में हम सिर्फ ये यही चेंज करेंगे, तीन की जगह हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इधर वाली साइड भी चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, फिर से बनाया तीन डबल क्रोशिया, और एक और बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, कंप्लीट करेंगे इसको ग्रीन कलर के धागे से इस तरह से। और जो ग्रीन कलर के डबल क्रोशिया है उनके ऊपर इस तरह से देखिए दो के ऊपर दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक बनाया और फिर से बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया कंप्लीट, इसको इस धागे से करेंगे। और इसको इस टाइम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि ये यहाँ से अच्छे से हो जाए सेट। अब देखिए फिर से हम दो चैन के बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक डबल क्रोसिया बनाया, दो डबल क्रोसिया, तीन डबल क्रोसिया, फिर एक और डबल क्रोसिया बनाएंगे, चार डबल क्रोसिया, फिर दो चैन और फिर से चार बार एक बार बनाया, दो तीन, फिर से बनाएंगे चार कंप्लीट। इसको फिर से हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे और इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और इससे नेक्स्ट रो में भी हम चार डबल क्रोशिया, दो चैन, चार डबल क्रोशिया। तो दो जैसे हमने दो रो में इस ये तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया बनाया है, इसी तरह से हम ये दो रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। दो में मैंने चार डबल क्रोशिया, दो चैन, चार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। तो टोटल हमारी यहाँ पर देखिए शुरू से दो से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट एक राउंड मैं और बनाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर चार पाँच नंबर का नजी के लिए बना रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपके घेरे में झोल ना पड़े तो आप यहाँ चार के बाद नेक्स्ट राउंड में पांच डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं या तीन के बाद चार डबल क्रोशिया। मैंने यहाँ पर दो दो में सेम रखे हैं, इस तरह से आप घेरे को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है, जॉइंट करने के बाद एक स्लिप स्टिच हम इस के अंदर करेंगे इस तरह से। अब एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेने के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए ग्रीन वाले में हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं और अब देखिए जब दो डबल क्रोशिया रह जाएं तो यहाँ से अपना ये दूसरा कलर हम पिक कर लेंगे इस तरह से। धागे को इसको भी हम साथ में रखेंगे पीछे की तरफ। अब देखिए इस चैन में फिर से हम अब के बार हम यहाँ पर पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक, दो, दो चैन ली और फिर से यहीं पर हम पांच बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार, फिर से बनाया पाँच, पाँचवें डबल क्रोशिया को कंप्लीट हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे और ग्रीन वाले में फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे दो के अंदर। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे कंप्लीट। इसको फिर से हम इस धागे से करेंगे, फिर से हम पांच डबल क्रोशिया, दो चैन इस तरह से रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और देखने में देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये मैंने चार और पांच नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।